हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शादाब है और आप देख रहे हो प्रोग्रामिंग विद शादाब। तो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ी ही देर के अंदर हमारा गूगल मीट पर स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाएंगे, तब हम सारे लेक्चर्स सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर कर लेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ी देर में मैंने लिंक सेंड कर दिया उनको, वो थोड़ी देर के अंदर ज्वाइन करने वाले हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं गूगल मीट के ऊपर लेक्चर्स लेता हूँ और उसको अपना कंटेंट बना के यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स, सिंपल से छोटा सा काम करना है आपको, कमेंट में मेरे लिए एक छोटा सा कमेंट करना है कि मतलब जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह से और भी अपना अच्छा अच्छा कंटेंट बना सकूँ, अच्छे अच्छे टॉपिक्स बना सकूँ। फ्रेंड, जावास्क्रिप्ट लेक्चर मेरे ख्याल से 3 मंथ्स के अंदर खत्म हो जाएंगे, तो आप लोग 3 मंथ्स के अंदर जावास्क्रिप्ट, और इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज दिखने वाले, प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं, बहुत सारे क्विज ऐप बनाएंगे, टू डू लिस्ट ऐप बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके हम उसके ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले अपना बेस क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को आ जाने देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी देर हम वेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज अपना डे 4 है, चौथा लेक्चर अपना। तो आज अपन पॉपअप्स बॉक्स, मतलब जो पॉपअप बॉक्स रहते हैं, पॉपअप बॉक्स जो रहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं अपन यूजर से उसका अलर्ट दिखाने के लिए, उसको कुछ मैसेज दिखाने के लिए, उसे कुछ कंफर्मेशन लेने के लिए या उसे कुछ इनपुट लेने के लिए अपन पॉपअप बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉपअप बॉक्स 3 तरीके का पॉपअप बॉक्स है। तो सबसे पहला अपन देख चुके उसको, अलर्ट। दूसरा है कंफर्म, और तीसरा रहता है प्रॉम्प्ट बॉक्स। ठीक है, ये तीनों, इसमें से सबसे पहले जो अलर्ट है इसको अपन ने देख चुके हैं। अलर्ट में अपन कुछ भी मैसेज दिखा सकते हैं, दिस इज डेस्कटॉप, तो अपन यहाँ पे कुछ भी अलर्ट बॉक्स के अंदर मैसेज दिखा सकते हैं। और उसके बाद अपना आता है दूसरा कंफर्म, कंफर्मेशन लेने के लिए तो अपन यहाँ पे कंफर्म लिख सकते हैं, और यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी कंफर्म है। वो अलर्ट रहना, हटा मत ना, हाँ अलर्ट को रखे रहना, बाद में काम आएगा, हमने हाँ कभी अलर्ट, देखेंगे। दिस इज डेस्कटॉप। ठीक है, उसके बाद कंफर्म आता है, आप उनको कुछ भी कंफर्मेशन लेना है यूजर से। ठीक है, डू यू वांट टू एग्जिट। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है और इसका अपन यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, तो हाँ, यहाँ पे रन करेंगे तो यहाँ पे 2 चीज पूछ रहा है, ओके कैंसल। ओके करेंगे तो आप उसके ऊपर कुछ भी आगे का फर्दर कुछ भी कर सकते हैं, और कैंसिल करेंगे तो नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें एक और यूज करता हूँ, इसको मैं एक सीधा एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर लेता हूँ ताकि इसको मैं यूज कर सकूँ। तो वेर इसको मैं ए नाम से एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। ठीक है, और इफ कंडीशन के अंदर मैं इसको लेता हूँ और मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू, मतलब ओके के ऊपर क्लिक हुआ। ठीक है, इफ कंडीशन के अंदर जो पहला रहता है वो इफ ब्लॉक, वो ट्रू कंडीशन, और एल्स जो होता है वो फॉल्स में चलता है। ठीक है, तो मतलब इफ ए लिखा, इसका मतलब ये अगर ओके पे क्लिक हुआ तो वो इसके अंदर आएगा, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे ए को मैं प्रिंट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं ए प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे देखते हैं वो क्या वैल्यू देगा। बूलियन के अंदर वैल्यू देगा। ठीक है, ओके पे क्लिक करूंगा, ट्रू दे दिया, और कैंसिल पे क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा। एल्स के अंदर अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए के अंदर, ठीक है,
ओके पे क्लिक करूंगा तो ये ट्रू आएगा, कैंसिल पे क्लिक करूंगा फॉल्स आएगा। अब इसके ऊपर अपन कंडीशन लगा देते हैं, जैसे ओके ऊपर क्लिक करे तो अपन को कुछ और, जैसे ओके ऊपर क्लिक करे तो अलर्ट दिखाना अपने को, अलर्ट यस क्लिक, ठीक है। और यहाँ पे और यहाँ के इसके अंदर अपन कैंसल, ठीक है, यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे तो अलर्ट के अंदर आ जाएगा यस क्लिक, ओके कर देंगे। और फिर वापस से रिफ्रेश करेंगे पेज को, और कैंसिल पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल लिख के आ रहा है, ठीक है। ये कंफर्मेशन देता है, इससे अपन यूजर से उसका कंफर्मेशन ले सकते हैं, और उसके आगे अपने को जो भी लॉजिक लगाना है उसको इसके अंदर लॉजिक के अंदर लगा के उसको अपने आगे का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम हो गया कंफर्मेशन का, ठीक है। उसके बाद आता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब ये रहता है कि यूजर से कुछ इनपुट लो और उसके आगे का फर्दर काम करके लेने का, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट लेता हूँ, ठीक है, प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा एंटर योर नेम, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा, आया यहाँ तो पूछा एंटर योर नेम, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे शादाब, ठीक है। ओके पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा, मतलब आगे का कंडीशन अपन कुछ भी कर सकते हैं। और कैंसिल पे करूंगा तो ये नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैं इसको वापस एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ ए नाम के, और यहाँ पे नीचे में जाऊंगा ए, जैसे सबसे पहले मैं इसको एक बार प्रिंट करके देता हूँ कि मेरा क्या नाम प्रिंट हुआ है, ठीक है। ए को मैं प्रिंट करूंगा। अभी ये जो वैल्यू, अभी ये बुलियन वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा, प्रॉम्प्ट जो वैल्यू इनपुट में आई है, जो भी इनपुट के अंदर डाले वो ए के अंदर स्टोर होगा और अपन उसको प्रिंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं डाल देता हूँ खान शादा, एंटर करूंगा, नाम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर प्रिंट हो गया खान शादा। और अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ भी लिख के और अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो नल आएगा, ठीक है। मतलब ये वेरिएबल के अंदर कुछ भी नहीं स्टोर हुआ है, नॉर्मल नल वैल्यू स्टोर हो गया, ठीक है। और वैल्यू उसमें कुछ भी लिखेंगे तो वो प्रिंट होके आएगा, मतलब स्क्रीन पे। हाँ वो प्रिंट होके आएगा। जैसे मैं यहाँ पे शानवाज लिख देता हूँ, ओके करूंगा, शानवाज लिख के आ जाए, ठीक है। ये इसका काम है प्रॉम्प्ट का। और उसके बाद जैसे एक और काम दिखाता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले एंटर, जैसे दो नंबर को ऐड करना है, सेम वही प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल लेके हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है। और यहाँ पे वेर बी लेता हूँ, और यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट लेता हूँ, और एंटर सेकंड नंबर, ठीक है। ये दो वैल्यू लेगा और यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाके राइट करेगा, ठीक है। राइट में क्या आएगा, दो नंबर को ऐड करना कौन सा ऑपरेटर इस्तेमाल होगा, हेलो हाँ हाँ बोल रहा हूँ, दो नंबर को ऐड करना है तो कौन सा ऑपरेटर, कौन सा प्लस ऑपरेटर, प्लस ठीक प्लस ऑपरेटर, डॉक्यूमेंट है। तो कैसे लिखेंगे इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर, डॉट राइट के अंदर लिखेंगे अपना ए प्लस बी। नहीं नहीं हाँ नहीं ए प्लस बी लिखेंगे, दो नंबर को ऐड करना अपने को, दो वेरिएबल, पहला नंबर ए के अंदर स्टोर के, दूसरा नंबर बी के अंदर स्टोर के, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जाएगा, दोनों को प्लस करेगा और अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। पहला नंबर लेते 10, ओके पे क्लिक करें, दूसरा नंबर पूछा 20, ओके। तो डॉक्यूमेंट राइट के अंदर अभी इसने क्या लिया, स्ट्रिंग 10 वैल्यू। प्लस 20 स्ट्रिंग में ले लिया, ठीक है। हाँ अभी अपने यहाँ पे क्या करना रहेगा, सबसे पहले मैं इसको इसका टाइप, और जो टाइप ऑफ से अपने को क्या पता चलेगा, हाँ वो अपना कौन सा डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग है तो यहाँ क्या? पे ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइप ऑफ, ठीक है। तो ये मेरे को ए का टाइप ऑफ निकाल के दे देगा, और नीचे में बी का भी टाइप निकाल लेता हूँ कि वो कौन सा डेटा टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे 10, दूसरे के अंदर 20, तो यहाँ पे बता दे कि ये स्ट्रिंग है, इसलिए वो दोनों को प्लस नहीं कर रहा है ना, वो दोनों को क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेट कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है एक में। तो अभी अपने को इसका टाइप चेंज करना पड़ेगा ना, ये जो वैल्यू ले रहा है इसको इंटीजर में अपने को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन है पार्स इंट करके, ठीक है। इसको पार्स इंट मतलब ये इंटीजर में भी वैल्यू लेगा, पार्स इंट
यहाँ पे इसको अपन इसके अंदर ले लिया, ठीक है। अभी देखते हैं, 10, 20, अभी ये नंबर मिलेगा, ठीक है, पार्सेंट लगाने से मतलब। पार्सेंट, ठीक है। एक फंक्शन है, जो भी वैल्यू रहेंगे अपन डालेंगे वो इंटीजर में उसको कन्वर्ट कर देगा, उसका टाइप ऑफ अपन ने चेक करा, नंबर नंबर बता रहे, ठीक है। हाँ अभी अपन उसको ए प्लस बी करेंगे, ठीक है, ए प्लस बी करेंगे, ठीक है। तब वो दोनों को क्या करेगा, जोड़ देगा, जैसे 100 प्लस 200 क्या आएगा वैल्यू, 300। 300 प्रिंट हो जाएगा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट का काम है, इसको अपन आगे चल के जब कोई वेबसाइट बनाएंगे तो इसके अंदर अपन इसका रियल वर्ल्ड में इसका एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो ये इतना यहाँ पे इसका काम हो गया। तो ये टोटल 3 टाइप के पॉपअप्स है, अलर्ट, कंफर्म, प्रॉम्प्ट, ठीक है। तीनों का यूज अपन देख लिए, ठीक है, यहाँ पे अपना पॉपअप खत्म होता है, हाँ ठीक है। इसके बाद अपन आगे देखने वाले हैं फंक्शंस जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, फंक्शंस। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस टोटल, जैसे सबसे पहले फंक्शन बताने से पहले मैं बता दूं कि फंक्शंस कहाँ क्यों इस्तेमाल करते हैं अपन, ठीक है। फंक्शन जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वाओ यूआर, ये मतलब एक स्टेटमेंट है, तीनों अपन ने प्रिंट करे यहाँ पे। फिर थोड़ी देर बाद अपन ने कुछ और, जैसे इफ कंडीशन लगा दिया, इस कंडीशन कुछ और लगा, यहाँ पे कुछ और स्टेटमेंट लेते हैं, वापस से यही सेम चीज वापस से प्रिंट करना अपने को, ठीक है। यहाँ पे वो प्रिंट हो गया, फिर और कुछ स्टेटमेंट लिखे ना अपन ने, कुछ और प्रिंट करे, और वापस से यही सेम चीज अपने को 10-15 लाइन के बाद वापस से वही चीज चाहिए, ठीक है। तो इससे अपना क्या होता है, और टाइम ज्यादा लगता है और अपनी फाइल की साइज भी बड़ी होती रहती है, ठीक है। इसको इसको ओवरकम करने के लिए अपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ए बी सी नाम का एक फंक्शन है, उसके अंदर अपन ने ये चीज को प्रिंट कर लिया, ठीक है। ये चीज जो भी अपना स्टेटमेंट है उसको फंक्शन के अंदर डाल दिया, और सिंपल यही फंक्शन को अपन ए बी सी और ये ब्रैकेट से अपन इसको कॉल करेंगे, फिर उसके बाद जहां जहां पे अपने को कॉल करना है ये सेम चीज प्रिंट होती रहेगी। अभी जैसे यहाँ पे वाओ यू आर के अंदर अपने वाओ यू आर लिखा है, जैसे अपन को अभी जैसे ये अभी यहाँ पे 3 बार प्रिंट करा है, ठीक है। आगे चल के अगर ये 300 बार कहीं प्रिंट करवा रहा है तो अपने को ये 300 जगह जाके 300 बार बदलना पड़ेगा। इससे अच्छा एक फंक्शन बना लो, उसके अंदर ये सेम चीज डाल दो, एक ही जगह चेंज करो, जहां जहां अपन ये फंक्शन को कॉल करे रहेंगे वहां वहां ये चीज जाके चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे अभी देख लेते हैं अपन फंक्शन को कैसे अपन डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं अपन, फिर उसका फंक्शन का नेम लिखते हैं। फंक्शन का नेम लिखने का भी रूल है कुछ, जैसे शुरुआत में अंडरस्कोर नहीं लगा सकते, ठीक है, शुरुआत में नंबर नहीं ले सकते, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करने का रूल बताया था मैंने, सेम टू सेम फंक्शन को भी डिक्लेयर करने का रूल है, सेम वही लगेगा। जैसे दो, जैसे यहाँ पे फंक्शन और यहाँ पे कैमल केस, बीच में जो अल्फाबेट कैपिटल में, इसको अपन कैमल केस, ये जो फंक्शन नेम लिखा है कैमल केस के अंदर, इसको अपन ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये दो दो नाम के बीच में अपन बीच में अंडरस्कोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये फंक्शन और फंक्शन नेम लिखने के बाद ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अपने को कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करना है, और दोनों कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और एंड के बीच में अपने को अपना स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद ये फंक्शन अपन डिफाइन कर देंगे, और उसके बाद इसको अपन को कॉल करना है सेम फंक्शन नेम से, ठीक है। कॉल इन अ फंक्शन, ऐसे अपन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका अपन अभी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, इसका प्रैक्टिकल में देखते हैं अपन। जैसे यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं फंक्शन और फंक्शन बन के आगे, तो ब्रैकेट, अरे तो ब्रैकेट में कुछ भी नहीं आएगा, सिंपली यहाँ पे मैं अभी लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, ठीक है, हेलो शानवस, हाँ ठीक है, ये चीज लिख दिए। अभी आपको यहाँ पे यही बाबू, यहाँ पे अभी सबसे पहले फंक्शन का नाम देते हैं, जैसे और नेम, नेम नाम से फंक्शन बनाया अपने, ठीक
और यहाँ पे अभी इसी चीज को अपन कॉल करेंगे, ठीक है, नेम और ये सेम ब्रैकेट लगा के कॉमा सेमी कॉलन, ठीक है, अभी इसी को सेम अपन कॉल करेंगे हेलो शाहनवाज। अब यही शाहनवाज जो नेम है इस पेज के ऊपर डिक्लेयर है, मतलब ये पेज के ऊपर, और अपन और भी अलग अलग जो पेजेस बनाएंगे यही सेम फंक्शन नेम से अपन इसको कॉल करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक बी आर टैग लगा देता हूँ मैं, अभी बी आर टैग नहीं लगा रहा, सबसे पहले देखते हैं अपन, जैसे हेलो शाहनवाज देख कितनी बार प्रिंट हो गया, अभी अपन को चाहिए कि इन लोग के बीच में एक एक बी आर टैग लग जाए। और अगर अपन क्या बोलते हैं मैन्युअली अगर इसको अपन लिखते तो अपने को हर एक के अंदर जाके एक एक बी आर टैग लगाना पड़ता, एक बार बी आर टैग लगे हर जगह फंक्शन अपने आप ऑटोमेटिकली एक एक लाइन ब्रेक कर लिया, बीआर ठीक है, यहाँ पे एक बी आर टैग लगे, ये फंक्शन का यूज है, ठीक है। इसके बाद आते ये फंक्शन आपने डिक्लेयर कर दिया, अभी ये फंक्शन के अंदर एक और रहता है, जैसे इसके अंदर एक और फंक्शन आपन मल्टीपल फंक्शन भी बना सकते हैं, एक और फंक्शन बनाया मैंने जैसे माय फुल नेम, ठीक है, फुल नेम नाम से एक फंक्शन बनाया अपने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया मैंने इसके अंदर, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया खान शादाब आलम, ठीक है, यहाँ पे लिखा, अभी मैंने बोला कि एक मिनट इसको मैं हटा देता हूँ, जैसे मैंने बोला पहला मेरा नेम नाम का फंक्शन कॉल होना चाहिए, उसके बाद माय फुल नेम वाला फंक्शन यहाँ पे मेरा कॉल होना चाहिए, और उसके बाद वापस से मेरा नेम वाला फंक्शन कॉल होना चाहिए, ठीक है, ये तीन चीज को मैं प्रिंट करूंगा, यहाँ पे मैं एक बी आर टैग लगा देता हूँ, ठीक है, हेलो शाहनवाज खान सदा बालम, और वापस से हेलो शाहनवाज प्रिंट हो गया, ठीक है, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हो गया, ठीक है। मतलब ऐसा अभी नहीं है कि मतलब आप उन लोग गिनती से लिखते हैं, मतलब 3 बार प्रिंट हो, ऐसा बार बार लिखना ना पड़े हाँ, तो इसके माय अंदर नेम। अपन भी जैसे यहाँ पे क्या बोला, एक और बार पूछ मेरे को क्वेश्चन। जैसे अपन यहाँ नीचे नेम नेम लिखते जा रहे हैं, हाँ 10 बार नेम लिखते तो 10 बार आएगा, ऐसा नहीं कि 10 बार अपन गिनती में लिख के 10 बार आए, खाली एक लाइन लिखे 10 बार आने के लिए। हाँ, तो वो भी अपन कर सकते हैं, जैसे तूने बोला अभी, सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, तो तूने बोला कि मतलब एक बार जो फंक्शन है उसको 10 बार प्रिंट करना, तो अपन इसके अंदर फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर अपन एक वेरिएबल आई से बनाते हैं, इसको 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लूप अपन ने देख चुके हैं, फॉर लूप से अपन स्टार्ट कर सकते हैं, और एक कंडीशन लगाते हैं, और कंडीशन आई शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 10, ठीक है, और आई प्लस प्लस, और इसके अंदर अपन नॉर्मल इस फंक्शन को अपन कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये फंक्शन 10 बार कॉल होगा, ठीक है, टोटल 10 बार ये कॉल होगा ये फंक्शन 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। अभी इसके अंदर अपन को चाहिए कि ये फंक्शन जो है, इससे पहले अपन को चाहिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, इससे पहले चाहिए कि अपन को उससे पहले जो 1 2 3 ऐसे में भी कॉल हो, तो अपन इसका ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, थीके? एक मिनट, यहाँ पे अपन कॉन्केटिनेट कर लेते हैं, और यहाँ अरे पे थोड़ा, शादा, तूने डॉलर वाला बताया था ना, लेकिन कॉन्क्रीट में। हाँ डॉलर वाला भी कर सकते हैं, ES6 वाला, जैसे हाँ देखिए यहाँ पे बैक टिक लगाए, और यहाँ पे डॉलर आई आई को प्रिंट करें, एक मिनट रुक गया, बैक टिक लगाना अपने को, ये तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हो गया, ठीक है, बैक टिक अपना डॉलर अरे टैब के ऊपर रहता है, और यहाँ हाँ पे डॉलर आई लिखेंगे अपन, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रैकेट दे देते हैं और थोड़ा स्पेस दे देते हैं, अभी नेम नंबर के साथ वो प्रिंट होगा, ठीक है, बैक टिक वाला भी अपन कर सकते हैं, पर लेकिन मैं बोला कि थोड़ा ES6 अभी थोड़ा एडवांस लेवल है, बेसिकली अपन ये कॉन्केटनेट वाला भी लेके चलेंगे, ठीक ठीक है। बैक टिक का इस्तेमाल तब कर सकते हैं कि जब एक लाइन के अंदर मल्टीपल 10 से 12 वेरिएबल्स को अपने को डिक्लेयर करना है, मतलब उसको 10 से 12 बार जो वेरिएबल है उसको प्रिंट करना अपने को, पर लेकिन नॉर्मल एक ही वेरिएबल तो अपन कॉन्कैटिनेट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन, अभी फंक्शन के बाद आता है, फंक्शन के अंदर ही एक रहता है पैरामीटराइज फंक्शन, ठीक है, ये तो अपन ने डिफॉल्ट फंक्शन देख लिया ना, मतलब
दो टाइप के फंक्शन होते हैं ना, एक मतलब ये डिफॉल्ट फंक्शन और एक कहते हैं पैरामीटराइज फंक्शन, है ना। अभी पैरामीटराइज फंक्शन के अंदर अपने को कैसे रहता है, पैरामीटराइज फंक्शन अपने को जैसे जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल ए नाम से 10, बी है 20, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना ए प्लस बी करे, फिर वापस से 2 से 4 स्टेटमेंट के बाद वापस से ये 10, 30 या 40 वापस से ये चीज अपन प्रिंट कर रहे ए प्लस बी के साथ, वापस से थोड़ा स्टेटमेंट लिख के अपन ने वापस से नीचे और एक और वेरिएबल बनाया उसका 25, 55 और दोनों को प्लस कर रहे हैं। तो ये सेम काम अपन फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। फंक्शन लिए, सम नाम से कोई भी फंक्शन का नेम लिया अपन ने, उसके अंदर दो पैरामीटर पास करें, एक ए नाम से पैरामीटर पास करें और एक बी नाम से, अपन कितने भी नंबर मतलब कितने भी पैरामीटर अपन डिक्लेयर कर सकते हैं, पर लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है, बीच में कॉमा रहना चाहिए, ठीक है। ए कॉमा बी नाम से अपन ने बनाए, ठीक है, ए कॉमा बी से बनाए अपन ने, और फिर उसके नीचे बाद जाके अपन फंक्शन को कॉल करेंगे और फंक्शन के अंदर जो भी आर्गुमेंट पास किए उसकी वैल्यू अपन पास करें, जैसे सम गया सम 10, ए के अंदर जाके स्टोर होगा, 20 जो है वो बी के अंदर जाके स्टोर होगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे ए प्लस बी होगा, और यही सम को अपन ने कॉल करे थे तो ये सेम अपन को प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अरे इसको मतलब अपन कैसे, इसका सिंटेक्स क्या है, तो सब सेम वही चीज, फंक्शन और फंक्शन नेम, उसके अंदर पैरामीटर 1, पैरामीटर 2 मतलब पैरामीटर 3, जितने भी अपने को पैरामीटर देना उतने पैरामीटर दे सकते हैं। फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस आएगा अपना, और कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस एंड के बीच में अपना स्टेटमेंट आएगा, मतलब इतना ध्यान देना कि स्टेटमेंट ये एंड होने से पहले ही देना है, और सेम उसको फंक्शन को कॉल करेंगे अपन, उसके अंदर अपन आर्गुमेंट जो जितने नंबर ऑफ पैरामीटर रहेंगे उतने नंबर ऑफ आर्गुमेंट अपने को पास करना रहेगा, ठीक है। तो इसका अपन प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ सेम वही सम नाम से, ठीक है, इसके अंदर 2 पैरामीटर में पास कर देता हूँ ए कॉमा बी, ठीक है, फिर अंदर जाऊंगा मैं और यहाँ पे मैं सिंपल वही डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैं ए प्लस बी कर दूंगा, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं इसको, अपन ने फंक्शन को डिफाइन कर लिया, वेब पेज पे जाएंगे रिफ्रेश करेंगे कुछ भी नहीं आएगा, अभी अपने को ये फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, सम और ब्रैकेट करना, सबसे पहले ए ए वेरिएबल पास करना, मतलब ए के अंदर सम कर रहे हैं ना, तो सबसे पहला नंबर आएगा 10 और मैं और 10 और 20 को मैं क्या बोलते हैं सम करना चाहता हूँ, ध्यान देना ये कॉमा आएगा यहाँ पे, ये नहीं कि यहाँ पे प्लस लिख दे रहे, प्लस नहीं लिखना, कॉमा लिखना है अपने को, ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ जाएंगे दोनों का सम करेगा 30 प्रिंट करेगा, ठीक है। उसके बाद वापिस से थोड़े लाइन के बाद यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसके बाद मैं एक ये BR टैग भी ले लेता हूँ मैं, ताकि मैं मल्टीपल नंबर्स को प्रिंट कर सकूँ। तो वापिस से एक और सम नाम का फंक्शन कॉल करे किसी जगह पे, और वहां पे मैंने बोला 30, 50, इसका क्या वैल्यू आएगा, ये इसके बाद क्या प्रिंट होगा 30 के बाद 80 80। 80, 80 प्रिंट होगा 30 के बाद 80, ठीक है। मतलब एक ही फंक्शन बनाया, अपना काम आसान हो गया, सिर्फ अपने को कॉल करने वैल्यूज पास, हाँ सिर्फ अपने को वैल्यूज पास करना है फंक्शन के अंदर और अपना वैल्यू आ जाएगा। अभी यहाँ पे एक और बग आ सकता है कि जो यूजर्स है, ठीक है, जो प्रोग्रामिंग है मान के चलो, उसके अंदर किसी ने सिर्फ एक ही फंक्शन कॉल करा फंक्शन, और उसके अंदर सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास करा, यहाँ पे NaN लिख के आ जाएगा, ठीक है। NaN क्यों लिख के आया, कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर 2 है और जो यूजर है उसने सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास करा है, ठीक है। तो इस केस में अपना एक एक और फंक्शन कॉल होता है जिसको बोलते हैं अपन डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू अपन दे सकते हैं, जैसे मान के चलो मैंने ए की डिफॉल्ट वैल्यू लेके चला 0, ठीक है, और बी की भी डिफॉल्ट वैल्यू लेके चलो मैं 0, और अगर यूजर एक ही वैल्यू डाल रहा है, एक ही आर्गुमेंट पास कर रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा अपना, सिर्फ 30 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू डिफॉल्ट वाली 0 है, तो 0 यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सम के अंदर एक आर्गुमेंट 30 है, तो ये जो 30 है ये 0 को ओवरराइट कर दिया, ठीक है। 0 तब एक्सेप्ट होगा जब तक आर्गुमेंट अगर एम्प्टी मतलब
नॉट कुछ भी डिफाइंड नहीं है, आएगा तो जीरो आएगा मतलब। जीरो जो भी यहाँ पे वैल्यू अपना, अगर यहाँ पे 10 डाले रहेंगे तो वो 10 ले लेगा। जैसे यहाँ पे अभी मैं डिफॉल्ट वैल्यू लेगा मतलब। एक ही वैल्यू जीरो है, अभी मान के चलो यहाँ पे बी की वैल्यू यहाँ पे उसने नहीं पास करा है, ठीक हाँ है, तो अपना डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ पे मैंने ले लिया 10, तो अभी 30 और डिफॉल्ट वैल्यू अपनी 10 है, मतलब उसने यूजर ने सेकेंड वैल्यू पास नहीं करा है, तो हाँ यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपना फंक्शन डिफॉल्ट वैल्यू लेगा 10 और ए प्लस बी को जोड़ेगा और 40 अपने को दे देगा, ठीक है। हाँ ये डिफॉल्ट वैल्यू का काम है। अगर फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया गया, जैसे अगर मैं फंक्शन सिर्फ कॉल कर दूं और ये फंक्शन के अंदर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू भी पास कर दिया हूँ, तो यहाँ पे नॉर्मली वो अगर, और जो यूजर है उसने आर्ग्यूमेंट को नहीं पास करा है, ठीक है, कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं पास करे, तो यहाँ पे नॉर्मल 10 आ जाएगा, क्योंकि 0 प्लस 10 10 होता है, ठीक है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। और अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पास करूँ 20 और 30, तो यहाँ पे नॉर्मल 50 आ जाएगा अपना, ठीक है, समझे ना, पैरामेट्राइज और ये डिफॉल्ट वैल्यू का कैसे यूज करते हैं आप, हाँ ठीक है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ अभी, तो अभी फंक्शन और आपने फंक्शन विद पैरामेट्राइज फंक्शन भी देख लिया डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू के बाद अभी अपना आता है फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू, ठीक है, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू मतलब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, फंक्शन है और फंक्शन नेम यहाँ पे लिखा अपन ने और पैरामीटर 1 पैरामीटर 2 पास करा, स्टेटमेंट पास करें और उसकी वैल्यू अपन सीधा सीधा रिटर्न कर लेंगे, ठीक है, और उसको जो वैल्यू रिटर्न हुई रहेगी उसको अपन एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, तब अच्छे से समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया मैंने, नॉर्मल फंक्शन बनाता हूँ, पैरामीटराइज वाला नहीं बनाता हूँ, नेम नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ अपना, और यहाँ पे मैंने बोला रिटर्न शादा, ठीक है, और जब मैं ये फंक्शन को कॉल करूंगा, ठीक है, फंक्शन डिफाइन कर लिया और फंक्शन को कॉल कर लिया, अगर फंक्शन को बगैर डिफाइन करे उसको अपन कॉल करेंगे, ठीक है, तो ये अपने को एरर देगा, जो एरर अपने को इंस्पेक्ट के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब डेवलपर टूल के अंदर जाना पड़ेगा और वहां पे अपने को कंसोल के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे नेम इज नॉट ए फंक्शन, ठीक है, और एक एक ये एरर आता है, मतलब ये नेम फंक्शन नहीं है, ठीक है, और एक और एरर आता है अपना, जैसे फंक्शन फंक्शन को पहले कॉल कर लिए, नहीं, वो कॉल हो रहा है, ठीक है, अगर उसको एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के अंदर, मतलब एक अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बना के उसके अंदर कॉल करते, तब वो अपने को एरर देता, नेम इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो सबसे पहले भी इसको नीचे में कॉल कर लेता हूँ नेम को, ठीक है, तो नेम को मैं कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किया कॉल इसको, पर लेकिन कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, क्यों नहीं प्रिंट किया, क्योंकि अपन ने वैल्यू को रिटर्न करें। अब अपन वैल्यू को रिटर्न क्यों करते हैं, जब अपने को पता रहते कि अपने को वैल्यू को मतलब रिटर्न करना, मतलब किसी वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करके उसको आगे भी इस्तेमाल करना है, ठीक है, तब तो अपन वैल्यू को रिटर्न करते हैं और एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके उसके अंदर अपन इसको और भी उसके आगे अंदर इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसके अंदर नेम को मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा वेरिएबल ए, और इसको मैं वेरिएबल ए को नीचे प्रिंट कर दूंगा, ठीक है, ए को मैं प्रिंट करूंगा, तब जाके ये अपने को वैल्यू देगा शादा, ठीक है, जो भी देगा, जैसे अभी मैं यहाँ एक सम नाम का फंक्शन बनाता हूँ और यहाँ पे इसके अंदर मैं ए ए प्लस बी ले लेता हूँ, ठीक है, सम नाम का फंक्शन बनाया अपने को कॉमा लेना था, सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे मैं गया नॉर्मली ए प्लस बी को भी मैं यहाँ पे ए प्लस बी को करूंगा, और यहाँ पे मैं को सबसे पहले ये जो सम नाम का फंक्शन है इसको यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा और उसके अंदर अपने को दो वैल्यू पास करना पड़ेगा 10 कॉमा 20, वो अपने को यहाँ पे 10 का
+20 करके यहाँ पे ए वेरिएबल में स्टोर कर देगा, नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करें, ए अपने को यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, रिटर्न क्यों लिखते तो हैं? ये हाँ रिटर्न क्यों लिखते हैं? रिटर्न इसलिए लिखते हैं कि मतलब जैसे ये फंक्शन है, अभी अपने को पता है कि इसका वैल्यू को अभी अपने को प्रिंट नहीं कराने यहीं पे, इसका अपने को आगे और भी इसके अंदर अपने को और भी इसके अंदर एडिशन करना है। ठीक है, जैसे मान के चला अपने ये वेरिएबल ए प्लस बी करें, मान के चल तूने कोई भी एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर तूने ए ए प्लस बी किया, हाँ ए प्लस बी करा तेरे को 30 यहाँ पे मिल जाए। अब तू चाहते कि इसके अंदर मेरे को और भी इसके अंदर थोड़ा सा 30 मतलब जो तेरा एक अलग वेरिएबल है ना, जैसे यहाँ पे वेरिएबल बी है और इसके अंदर तूने 20 लिखा है। ठीक है, और तू उसको चाहते कि जो फंक्शन के अंदर जो सम हुआ है उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि उसका डबल कर दे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, ए इंटू बी मतलब यहाँ पे 30 आया, 32 जा 60, तो यहाँ पे 60 प्रिंट हो जाएगा अपने। ठीक है, तो एक अभी एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं ना यही फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू का। इसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक फंक्शन बनाया मैंने सब्जेक्ट नाम से। ठीक है, और यहाँ पे मान के चले एक डेटा स्ट्रक्चर नाम से सब्जेक्ट ले लिया, कंप्यूटर ग्राफिक नाम से सब्जेक्ट ले लिया, और एक पाइथन नाम का एक सब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, डीएसयू डेटा स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, डीएसयू डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है चल, तीन नाम तीन सब्जेक्ट ले लिया अपन ने। ठीक है, तीन सब्जेक्ट ले लिए, ये तीनों सब्जेक्ट का मैं टोटल निकाल लूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने वेर टोटल मार्क्स, ठीक है ये तीनों सब्जेक्ट में अपने को टोटल मार्क्स कितने मिले। हाँ, तो यहाँ पे मैं डीएस प्लस सीजी प्लस और पाइथन प्लस मतलब, और ये तीनों वैल्यू को मैं अभी रिटर्न कर लूंगा। अभी यहाँ पे मैं रिटर्न क्या करूंगा, रिटर्न क्या करना है अपने को, टोटल वैल्यू, टोटल मार्क्स। ठीक है, अपन ने मतलब ऐसे भी कर सकते हैं डीएस, यही रिटर्न कर रहे डीएस प्लस सीजी प्लस, पर लेकिन अपन ने ऊपर ही ये तीनों को एक में लेके एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब यही वेरिएबल को मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाके इसको डॉक्यूमेंट, अरे सबसे पहले वो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन को कॉल करने के बाद सबसे पहले अपने को मार्क्स डालने पड़ेंगे, जैसे 80 मिला इसके अंदर और सीजी के अंदर 65 मिला और पाइथन के अंदर एग्जाम्पल के लिए 90, किसी को मिलता है नहीं जल्दी। ठीक है, और इसको एक वेरिएबल में सब्जेक्ट क्या बोलते हैं वो निकाल के दे देगा। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा कम मार्क्स आया, 235 बोले तो। ठीक है, तो आपने फंक्शन लिए, फंक्शन के अंदर आपने तीन सब्जेक्ट के नाम, तीन सब्जेक्ट लिए, तीनों को ऐड करें, टोटल मार्क्स रिटर्न करें, एक सब्जेक्ट नाम के सब्जेक्ट मार्क्स नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर करें। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ। ठीक है, परसेंटेज, अभी जो अपने को तीन सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालना अपने को। ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, इसके अंदर अपन परसेंटेज के अंदर अपन टोटल वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, टीटी मतलब एक टीटी नाम का वेरिएबल है, मतलब टोटल, चल ठीक है टोटल, ठीक है टोटल नाम का एक वेरिएबल है, उसका नाम मैंने पैरामीटर में मैंने पास कर दिया। ठीक है, और वेयर टोटल
परसेंटेज, ठीक है। इसके अंदर भी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपने को टोटल मार्क्स लिखना, मतलब टोटल मार्क्स कितने मिले उसको डिवाइड करना पड़ता है अपने को 300 से, ठीक है, और इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे अपन 100 से, ठीक है। और मैं नीचे जाऊंगा और यहीं पे इसकी वैल्यू को मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं टोटल परसेंटेज को कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं नीचे जाके अभी मेरे को यहाँ पे क्या प्रिंट करना पड़ेगा, मेरे को टोटल परसेंटेज को मेरे को प्रिंट करना है। तो मेरे पास टोटल सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए, हाँ टोटल मार्क्स आ गए अपने पास, और ये इसके अंदर ये वेरिएबल के अंदर टोटल मार्क्स पड़े हुए, ठीक है। अभी इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा अपने को, कौन सा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा? कौन सा फंक्शन? हाँ, परसेंटेज वाला, परसेंटेज वाला कॉल करेंगे, और इसके अंदर अपने को क्या आर्गुमेंट पास करेंगे टोटल मार्क्स के लिए, कौन सा वेरिएबल लिखना पड़ेगा इसके अंदर? सब्जेक्ट मार्क, सब्जेक्ट मार्क्स, क्योंकि ये सब्जेक्ट मार्क्स के अंदर अपने पास टोटल ये सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा रिलेवेंट वेरिएबल नेम लेके चलता हूँ, ठीक है, टोटल मार्क्स यहाँ पे है, ठीक है, टोटल मार्क्स यहाँ पे है। यहाँ पे अभी जाएंगे अपन और यहाँ पे इसको कर लेते प्रिंट, 78% आया, ठीक है। हाँ अभी इसको अपन थोड़ा सा रिलेवेंट लेके चलते थे, मैक्स डॉट क्या था, एक मैक्स ऑब्जेक्ट और इसके अंदर एक क्या है, उसको राउंड फिगर में करना है तो राउंड राउंड, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ नहीं, सिर्फ राउंड, ठीक है। इसके हाँ अंदर अपन, और इसके अंदर अपन टोटल मार्क्स को डाल देता है, तो अपने को एक टोटल एक मिनट, मैक्स डॉट राउंड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, इसको अपन को सबसे पहले टोटल मार्क्स जो है इसके अंदर एक वेरिएबल में के अंदर लेके उसको सबसे पहले ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। ये टोटल मार्क्स को यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, अरे भाई, मैट डॉट राउंड फ्लोर मैट ऑब्जेक्ट रिटर्न हुआ 70, एक मिनट, आप को एक काम करते हैं, ठीक है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। टोटल मार्क्स पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैथ डॉट राउंड लिखते हैं तो मतलब वो राउंड फिगर जैसे वो 79 हो जाना चाहिए था, कैसे में तो नहीं फंसे वो। इसको मैं वापस से शायद मेरे को मैथ राउंड समझ में नहीं आया, रुक जा बताता हूँ। मैट राउंड, मैट राउंड वो रहता है जैसे राउंड फिगर बताता अपने को, जैसे अभी वो 78.3333 था ना, उसको राउंड फिगर करके 78 में बता देता हूँ। अबे था ना अपने को हाँ एक बार करे तो वही, इसमें देखना, नहीं मतलब हो रहा है। राउंड फिगर बताता है बस, वो और कुछ नहीं करता है। जैसे 70.56 रहेगा ना तो वो डायरेक्ट 76 बता देगा, ऐसा 6666 रहेगा, 70.566 रहेगा तो डायरेक्ट 76 बता देगा, ऐसा रहता है। वो 5 के अंदर रहेगा वैल्यू तो 75 ही बताएगा, 70.54 जैसे रहेगा यहाँ ना पे फाइव बता देगा इसमें। पॉइंट फाइव है और यहाँ पे गए अपन ने, यहीं पे नम को मैट, मैट एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैट एक ऑब्जेक्ट है, डॉट लिखेंगे और यहाँ पे राउंड लिखेंगे, और यही नम नाम के वेरिएबल को अपन ओवरराइड करके उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। उसका आर्गुमेंट अपन पास कर देंगे
और यहाँ पे नम को ही मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। तो 5.55 होता है, 6 आ गया, ठीक है। मतलब ऐसा है, 5 तक है मतलब राउंड फिगर इसका 6 पे जाएगा। अगर ये 4-5 से नीचे रहता, मतलब ये 5 से नीचे है, ठीक है, तो ये 5 आएगा, 5 सॉरी 5 जाएगा, ठीक है। और अगर ये 5 के ऊपर है, मतलब 5.8 है, तो ये 6 पे जाएगा, ठीक है। ये राउंड फिगर। अभी यही चीज को मैं इसके अंदर भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो रहा नहीं है। तो इसका मतलब कोई छोटा सा बग होगा मेरे ख्याल से, नहीं तो वो कैश के अंदर फंसा होगा, इसके वजह से नहीं आ रहा होगा। पर लेकिन 78.33 आ रहा है, इसको भी वही पॉइंट को हटा के इसका राउंड फिगर बताना चाहिए था इसको, तो वो चीज ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। टोटल मार्क, अरे तो इसमें तू बताया कहाँ? क्या बोल रहे? नहीं नहीं सही है, सही यार। परसेंटेज को देखो नीचे रखना चाहिए, तब थोड़ा अच्छे से रहता परसेंटेज वाला फंक्शन। जैसे अगर मैं बोलू है ना, यहाँ पे टोटल मार्क्स है, ये तो सब्जेक्ट को, एक मिनट, एरर समझ में आ गया। ये जो टोटल मार्क्स है, ठीक है, जो टोटल मार्क्स है, ये तो इसको राउंड फिगर में करेगा ना, क्या बोलते हैं, ये जो टोटल मार्क्स निकल गया इसका राउंड फिगर कर रहा है। तो अपने को उसको राउंड फिगर में करने के लिए अपने को इसी के अंदर ही, मतलब वो फंक्शन जो अपन ने बनाया है उसी के अंदर ही इसको अपन को तभी वही उसी चीज के अंदर प्रिंट करना पड़ेगा। मतलब यहीं पे अपने को इसको मैट डॉट राउंड करना पड़ेगा, तब जाके वो परसेंटेज उसको उसके अंदर प्रिंट करेगा, ठीक है। अभी अपन प्रिंट किस चीज को कर रहे हैं, ये तो रिटर्न कर रहे है ना, तो अपन इस चीज को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं, तो ये तो थोड़ी ना इसकी वैल्यू परसेंटेज के अंदर ये जाएगा। ये जैसे एक बताता हूँ मैं अच्छे से, जैसे यहाँ पे ये सबसे पहले ये पूरा फंक्शन लोड हुआ, यहाँ पे आया सब्जेक्ट नाम का फंक्शन कॉल हुआ, ये तीनों को ऐड करा, टोटल मार्क्स के अंदर गया, ठीक है। फंक्शन ने ये वैल्यू रिटर्न करा, टोटल मार्क्स इसके अंदर लोड हुआ, ये वेरिएबल के अंदर गया, ठीक है। अपन ये चीज को प्रिंट नहीं कर रहे, सब्जेक्ट की वे सम को नहीं प्रिंट कर रहे, ठीक है। अपन ने इसके नीचे गए परसेंटेज नाम का एक फंक्शन कॉल करे, और जो परसेंटेज का डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखा है, वो यहाँ पे आया परसेंटेज के अंदर आया, एक पैरामीटर टोटल नाम का, उसको यहाँ पे गया टोटल मार्क्स, मतलब उसको पूरा टोटल चाहिए, ठीक है, अंदर आया एक वेरिएबल के अंदर टोटल परसेंटेज नाम के अंदर टोटल है, मतलब ये फॉर्मूला, ठीक है, टोटल परसेंटेज, मतलब ये जो टोटल डिवाइड बाय 300, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए अपन हमेशा उसको टोटल को डिवाइड करते हैं 300 से और मल्टीप्लाई करते हैं उसको 100 से, ठीक है, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए। फिर यहाँ पे आया डॉक्यूमेंट डॉट राइट करा, मैट डॉट राउंड टोटल परसेंटेज, मतलब ये लाइन अपनी प्रिंट हो रही है, परसेंटेज के अंदर आया, ये लाइन प्रिंट हो रही है। अगर चाहता है कि मतलब ये भी वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है, तो इसको एक वेरिएबल में ले ले, फाइनल अंडरस्कोर परसेंटेज, फाइनल परसेंटेज, ठीक है। अगर तू इसको भी एक वेरिएबल में लिया, अभी नीचे आके तू इसको ये वेरिएबल के अंदर आया, तूने इसको फाइनल जो परसेंटेज है उसको रिटर्न कर दे, अब तू जाएगा ब्राउजर के ऊपर रन करेगा, कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि अभी ये जो है इसने वेरिएबल, मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू को रिटर्न करा है, ना कि प्रिंट करा है, ठीक है। तो इसको भी एक वेरिएबल में दे लेंगे, शो माय परसेंटेज, और एक इक्वल टू लगा देंगे, ताकि ये जो फंक्शन के अंदर जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो इस परसेंटेज के अंदर, मतलब इस वेरिएबल के अंदर आ जाए, और सिंपल नीचे जाके जहां पे भी देखो प्रिंट करना है इसको, उसके अंदर जाके डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देना, और उसके अंदर इस परसेंटेज को कॉल कर देना आर्गुमेंट पास करके, ये जो है। अब यहाँ पे कुछ और वैल्यू डाल, जैसे मैं
20 डे का स्ट्रक्चर में मिलता है। कम मत डाल केटी लग जाएगी। ठीक है 70 डालता हूँ, यहाँ पे 58 डाल देता हूँ और यहाँ पे 60 डाल देता हूँ। ठीक है पूरा फंक्शन चलेगा 63%। यहाँ पे अपन ये चीज भी कर सकते प्लस लगा के यहाँ पे परसेंटेज के साइन भी लगा सकते 63%। ठीक है अपने उस चीज यहाँ पे लिखने का शादाब अगर ऐसा माय परसेंटेज इज हाँ तो वो भी चीज कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक मिनट पूरा इसको क्लियर करके तब समझाता हूँ। यहाँ पे किया सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा आएगा, सिंगल या डबल इन्वर्टेड दोनों दे सकता है। ठीक है यहाँ पे मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखूंगा और इसके अंदर जो भी तेरा कमेंट रहेगा वो तू लिख सकते हैं, जैसे माय परसेंटेज इस। ठीक है तूने माय परसेंटेज इस लिखा, उसके बाद जो तेरा परसेंटेज डायनेमिकली कैलकुलेट होके आ रहा है उसको यहाँ पे प्रिंट करना है। यहाँ पे कॉन्केटिनेट करेंगे प्लस से और यहाँ पे सो माय परसेंटेज को लिखेंगे। ठीक है ये अपना परसेंटेज जो कैलकुलेट होके आएगा वो यहाँ पे आएगा, माय परसेंटेजेस जो भी परसेंटेज रहेगा वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे प्लस लिखेंगे मतलब कॉन्केटिनेट करेंगे परसेंटेज को। तो यहाँ पे लिख के आएगा माय परसेंटेज इज 63%। जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगी तो डायनेमिकली चेंज करते रहना 80। ठीक है माय परसेंटेज 70। ठीक है तो आगे अपना क्या भी फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू भी हो चुका है। ठीक है एग्जांपल के साथ भी समझ लिए माय परसेंटेज इज, पूरा अच्छे से समझ लिए रिटर्न वैल्यू वाला भी। ठीक है इसके बाद अभी अपन देखने वाले हैं ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है। नाम सुने होंगे मतलब लैंग्वेज के अंदर ये इस्तेमाल होते ही है। सबसे पहले ग्लोबल वेरिएबल देख लेते। ठीक है क्या होता है ग्लोबल वेरिएबल, मान के चलो एक वेरिएबल बनाया अपन ने माय नेम नाम से। ठीक है एक वेरिएबल बना माय नेम नाम से, शानो लिख दिया इसका। ठीक है अब यहाँ पे गए, अभी इसको एक फंक्शन बना मैंने नेम नाम से, उसके अंदर गया मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूंगा मैं इसके अंदर और यहाँ पे मैं वो जो माय नेम है उसको मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है और नीचे जाके मैं इसी फंक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ। ठीक है तो क्या प्रिंट हो जाएगा अपना ने, रुक रुक दुखी मत हो। ठीक है तो अभी क्या प्रिंट होगा शाहनवाज एंड हुजैफा। शाहनवाज एंड हुजैफा तो ये ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है अभी मान के चल मैंने इसके अंदर आया और यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाए वापस से माय नेम नाम से। ठीक है इसके अंदर भी मैंने क्या लिख दिया शादा। ठीक है अब क्या प्रिंट होगा अब शवई शहनवाज एंड हुजैफा शादा प्रिंट होगा। कार ठीक है तो अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ है। ये जो माय नेम है ठीक है इसको अगर मैं अभी यहाँ पे बाहर जाके सबसे पहले इधर तो मैं एक दे देता हूँ बी आर। ठीक है अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले मैंने फंक्शन को कॉल करा। ठीक है फंक्शन को कॉल करने के बाद मैं नीचे जाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर माय नेम को ही मैं कॉल करता हूँ। ठीक है तो अभी क्या प्रिंट होगा मैं तो बता दूं। अभी भी सबसे पहले फंक्शन कॉल करा मैंने तो शादाब आ गया था। अभी माय डॉक्यूमेंट डॉट राइट माय नेम लिखा शादाब के बाद अभी भी वो उसके बाद शानवाज ने देखा प्रिंट है। शाहनवाज है हुजैफा सादा का शाहनवाज। अभी यहाँ पे हो रहा क्या है, सबसे पहले अपन ने ग्लोबली एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मतलब बाहर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया माय नेम नाम से। ठीक है तो ये जो माय नेम है उसको ना ही किसी फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करें, जैसे अगर इसके अंदर इस्तेमाल करते तो यहाँ पे भी अगर मैं यहाँ नहीं लिखता तो यहाँ पे भी शाहनवाज हुजैफा ही आता। ठीक है मतलब अगर मैं इसको ओवरराइड नहीं करता तो। ठीक है तो मैंने फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनाया यही सेम नाम से माय नेम का और डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब इसको मैंने यहाँ पे यही जो इसको अपन जो फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल अपन डिक्लेयर करते हैं उसको अपन लोकल वेरिएबल बोलते हैं।
ठीक है, ये जो है इसको अपन लोकल वेरिएबल बोलते हैं, और ये जो है इसको अपन ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं जिस वेरिएबल को अपन, उसको लोकल वेरिएबल बोलते हैं। मतलब अगर मैं अभी ये वाला वेरिएबल हटा दूं, ठीक है, तो अभी क्या प्रिंट होगा? मैंने ग्लोबल वेरिएबल हटा दिया और फंक्शन के अंदर मैंने नेम लिया, माय नेम नाम का वेरिएबल बनाया, श्रद्धा प्रिंट करा, नेम आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? सबसे पहले अपना प्रिंट होगा शादाब। ठीक है, फिर उसके बाद उसने, मैंने नीचे डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और माय नेम लिखा, तो ये क्यों नहीं प्रिंट हुआ? तो यहाँ पे अपने को मिला होगा एरर। ठीक है, यहाँ पे अपने को मिला होगा एरर। एरर अपने को चेक करना है, डीबगर टूल में जाएंगे और माय नेम इज नॉट डिफाइंड। पर लेकिन यहाँ पे देख जाएंगे तो यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर है, पर लेकिन इस वेरिएबल का स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर ही रहेगा। ठीक है, इस वेरिएबल का स्कोप यहाँ से चालू होगा, यहाँ पे खत्म होगा। अब बोलेगा ये नेम तो प्रिंट करा, पर लेकिन ये जो नेम है, जो ये नेम फंक्शन है, इसके अंदर ही आपने इसका इस्तेमाल कर चुका है। ठीक है, इसी के अंदर अपन उसको प्रिंट करें, सिर्फ अपन फंक्शन को कॉल करें तब जाके वो डॉक्यूमेंट डॉट राइड ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, और ये नेम अगर सेम ये चीज अपन बाहर वाले ग्लोबल के अंदर, मतलब उसको कितनी बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वही वेरिएबल को और फंक्शन के बाहर भी इस्तेमाल कर सकते थे। अभी क्या प्रिंट होगा? कितनी बार शान वजन हुजैफा प्रिंट होगा? जो लिखा है वेरिएबल वो कितनी बार प्रिंट होगा? एक बार या दो बार? एक बार। क्यों एक बार? क्योंकि अपन कहीं एक ही बार डिफाइन किए ना, जैसे दो बार। क्यों दो बार? document dot write my name दो बार। देख मैं बता दूँ, सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाया माय नेम नाम से, उसमें ये नाम लिख दिया। ठीक है, एक फंक्शन बनाया नेम नाम से, उसके अंदर मैंने document dot write प्रिंट करा माय नेम को, सबसे पहले ये माय नेम यहाँ पे आएगा। फिर मैंने वही एक फंक्शन को कॉल करा नेम को, सबसे पहले ये इस चीज को प्रिंट करेगा, और फिर document dot write माय नेम, फिर वो चेक करेगा ये वेरिएबल जो है ये लोकल वेरिएबल, मतलब किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है। अगर किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर है तो एरर आएगा, मतलब उसका स्कोप सिर्फ वो फंक्शन तक है, तो वो एरर देगा। तो वो चेक करेगा कि ये वेरिएबल ग्लोबल के अंदर कहीं पे डिक्लेयर है कि नहीं, तो ये चेक करा, हाँ ग्लोबल में डिक्लेयर है, तो वो जो है सावजन हुजैफा दो बार प्रिंट करेगा। ठीक है, समझा ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल का स्कोप? हाँ ठीक है, लोकल वेरिएबल क्या होता है? शानवस तू बोल, लोकल वेरिएबल क्या होता है? लोकल वेरिएबल सदा फंक्शन के अंदर जो करते हैं वो क्या? हाँ, लोकल वेरिएबल यहाँ पे मैंने साइड में लिखा हूँ, लोकल वेरिएबल तब माना जाएगा अगर किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है। अभी जैसे ये जो माय नेम है तो ये लोकल वेरिएबल हो गया, और जो फंक्शन के बाहर मतलब ऊपर इसको डिक्लेयर किया तो ग्लोबल वेरिएबल हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो जाएगा, जहां पे मैंने लिखा हूं ग्लोबल वेरिएबल। अच्छा, अब यहां पे क्या प्रिंट होगा? वेरिएबल तो नेम सेम है सबका, माय नेम दो बार मैंने प्रिंट करा हूं। ठीक है, अभी क्या प्रिंट होगा? पहले सादा प्रिंट होएगा, फिर मेरा हम लोग दोनों का नाम शानवाज है मेरे पास। ठीक है, सही बोला। ठीक है, क्योंकि ये यहां पे आया, फंक्शन के अंदर आया, इसलिए माय नेम वेरिएबल मतलब प्रिंट करता है, फिर हाँ पहले ग्लोबल, हाँ पहले लोकल चेक करेगा कि लोकली ये जो देख, जैसे अपन यहाँ पे कुछ भी नहीं, फंक्शन में कुछ भी नहीं कॉल करा, सिंपली इसको प्रिंट करे, ये चेक करे कि मतलब कोई फंक्शन के अंदर ये डिक्लेयर है, क्योंकि फंक्शन के अंदर चेक करे कि हाँ ये फंक्शन के अंदर, लेकिन ये सबसे पहले चेक करे कि ये ग्लोबल के अंदर डिक्लेयर है कि नहीं।
इस क्लब पहले मैंने ग्लोबल का बताया तुम लोग को, ग्लोबली डिक्लेयर वाला चेक करेगा, ग्लोबल में डिक्लेयर है माय नेम प्रिंट कर देगा, ये फंक्शन तक जाएगा ही नहीं। मतलब एक एक बात समझ ले, अगर आप उन फंक्शन के बाहर किसी वेरिएबल को प्रिंट करेंगे और अगर तूने वही वो वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर तूने डिक्लेयर करके रखा है तो तेरे को एरर आने वाली है। जैसे अगर मैं इस वेरिएबल को, ये जो वेरिएबल है ग्लोबल वाला, इसको कमेंट कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे जाऊंगा इसको करूंगा, यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूंगा तो सादा प्रिंट होगा और तेरे को एक एरर आएगी, ठीक है, हाँ नेम माय माय नेम नेम की। इज नॉट, क्योंकि ये जो वेरिएबल का स्कोप है सीज फंक्शन तक है और ये जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है यहाँ पे वो प्रिंट कर रहा है और अपने फंक्शन को कॉल कर रहे तो सिंपल वो प्रिंट करके अपने को वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है, और जो नीचे वाला डॉक्यूमेंट डॉट राइट है ये अपने को एरर थ्रो कर रहा है, ठीक है। क्यों एरर थ्रो कर रहा है? क्योंकि ये ग्लोबल में ना डिक्लेयर है इसके लिए एरर आ गया, ठीक है। वही रहता तो अभी अपने को वो वाला जो शान वर्जन हो जाएगा वो नीचे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल इसको अच्छे से समझ गया ना, थोड़ी प्रैक्टिस करना इसके बारे में, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद ग्लोबल और लोकल और ग्लोबल को खत्म करने के बाद अपना स्टार्ट हो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, कमेंट आउट, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ ग्लोबल लोकल एंड ग्लोबल, वेरिएबल्स। ठीक है। यहाँ पे इसको कमेंट दिया है, इसकी फॉर्मेटिंग करता हूँ मैं यहाँ पे। फॉर्मेटिंग ये कैसे करने का? आसान है, जहां तक इसको मतलब जैसे ये ग्लोबल है इसका कितना टॉपिक है यहाँ तक है तो इसको इसका इंडेंटेशन कर देने का, इसके नीचे ले लेने का टैब दबा के, मतलब इतना सिलेक्ट करने का पूरा टोटल और टैब दबाने के नॉर्मल थोड़ा आगे खिसक जाएगा और यहाँ पे जो एरो आता है इसके ऊपर क्लिक करेगा तो ये क्लोज हो जाएगा, इसी के ऊपर क्लिक करेगा ओपन हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन भी अपन खत्म कर चुके थे, तो अपन ने टोटल पॉपअप बॉक्स देखे थे फंक्शन का, रुकता फंक्शन यहाँ पे है, फंक्शन फंक्शन जो फंक्शन लोकल फंक्शन वेरिएबल फंक्शन, रहता है वो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है, बस इतना मतलब समझ लेंगे। हाँ हाँ लोकल वेरिएबल फंक्शन का फंक्शन के डिक्लेयर अंदर होता है, होता है, सही बात। ग्लोबल फंक्शन के बाहर होता है। अच्छा इजी था समझने का। यस सर। तो अभी आपने देख चुके पॉपअप बॉक्स, देख चुके फंक्शन, देख चुके ग्लोबल और लोकल वेरिएबल्स, देख चुके। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ब्रेक एंड कंटिन्यू, ठीक है। ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होता है बताता हूँ, ठीक है। मान के चलो आपने फॉर एक लूप बनाया है, फॉर लूप, ठीक है, उसके अंदर एक वेरिएबल बनाया है। सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे अपन वेरिएबल, वन से स्टार्ट करेंगे, जो वन है शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू 10 और वन और आई को ही अपन इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल अपन यहाँ पे अपन आई की वैल्यू अपन प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। आई की वैल्यू अपन प्रिंट करेंगे तो अपने को क्या यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, अपना वन से लेके 10 तक पूरे नंबर प्रिंट हो गए। यहाँ पे ब्रेकिंग दे देता हूँ मैं, ठीक बिहार है, ब्रेक दे देता हूँ, वन से लेके 10 तक ये प्रिंट हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मतलब ये सबसे पहले फॉर लूप चला, ठीक है, सबसे पहले ये गया वन लेके गया, यहाँ पे वन लेके गया, वन चेक करा कंडीशन, वन इज लेस देन 10 और इक्वल टू 10 है कि नहीं, लेस देन 10 के था कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे आया प्रिंट करा वन को, ठीक है। सेम यहाँ पे फिर वो इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ पे टू होगा, फिर ये जो टू जो आई की वैल्यू यहाँ पे बढ़ के टू हो जाएगी, ग्रेटर देन लेस देन 10 के है कि नहीं, जो टू है तो वो 10 से छोटा है, वापस से लूप के अंदर आया टू प्रिंट करेगा, वापस से आई की वैल्यू बढ़ेगी यहाँ पे थ्री होगा, सेम ऐसे होते जाएगा, ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि मतलब मेरे को पर्टिकुलर कंडीशन मतलब पर्टिकुलर नंबर पे, जैसे मैंने बोला वन प्रिंट हुआ, टू प्रिंट हुआ, थ्री प्रिंट हुआ, फोर प्रिंट हुआ, ठीक है। मैं जब लूप अपना फिफ्थ कंडीशन पे पहुंचेगा, मतलब जब फिफ्थ टाइम मतलब जब फाइव प्रिंट करेगा, तब फाइव प्रिंट नहीं होना चाहिए,
वहीं पे ये ब्रेक होके बाहर आ जाने चाहिए, मतलब इसके आगे लूप चलना ही नहीं चाहिए, मतलब ये सबको ओवर राइड करके बाहर आ जाने चाहिए लूप के, ठीक है? तो फिर ये चीज कैसे होगा? तो मैंने यहाँ पे बोला कि इफ, यहाँ पे अपन इफ की कंडीशन लगाएंगे ना, कि इफ आई इज इक्वल टू 5, मतलब जब आई की वैल्यू, ये जो आई की वैल्यू है 5 होगी, तब तुम लूप, मतलब ये इफ की कंडीशन के अंदर आना और यहाँ पे सिंपली तुम ब्रेक कर देना, ठीक है? ब्रेक लिखना, ब्रेक सेमी कॉलन लगा देना और बाहर आके, मतलब डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे तुम बाहर तो आई की वैल्यू तुम प्रिंट कर ही रहे हो, है ना? पहले लूप कैसे चलेगा अपना, आई आया, 1 आया, 1 चेक करा, कंडीशन चेक करेगा, 1 इज लेस देन 10, 10 के बराबर है, आया यहाँ पे, इफ कंडीशन में नहीं जाएगा क्योंकि आई 5 के बराबर अभी नहीं हुआ है, आई प्रिंट होगा, 1 प्रिंट होगा, तो यहाँ पे सेम 2 आएगा, 2 चेक करेगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, ऐसे 4 प्रिंट होगा, जब चेक करेगा आई इक्वल टू 5, ये कंडीशन को ब्रेक करेगा, और जब ये ब्रेक करेगा तब क्या प्रिंट हो रहा है अपना, 1 2 3 4, मतलब अपने कंडीशन को चलाए थे, फॉर लूप को चलाया था 10 तक, पर लेकिन इसने 5 तक ही चलाया। ब्रेक का काम होता है किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे ब्रेक करके लूप से बाहर आ जाना, ठीक है? इसका रियल लाइफ में भी बहुत जगह इस्तेमाल होता है, जब अपन एग्जांपल्स देखेंगे आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में, तब इसका अपन चेक करेंगे, पर लेकिन फिलहाल के लिए बेसिक एग्जाम्पल से समझ लो कि जब आई की वैल्यू 5 होगी, मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे आप उन इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है? उसके आगे कुछ भी ट्रिपल नहीं इक्वल चलेगा। रहा तो ट्रिपल हाँ, इक्वल ट्रिपल इक्वल रहा तो फिर भी ट्रिपल इक्वल लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप उन इसके अंदर फॉर लूप के अंदर नॉर्मल क्या बोलते हैं ये नंबर ही लेके चले। अगर ट्रिपल इक्वल लगाएगा तो वो डेटा टाइप चेक करेगा, ठीक है? तब भी कुछ भी असर होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे ये भी एक डेटा टाइप नंबर है और जो आई की वैल्यू है ये भी एक नंबर है। अगर तो इसको स्ट्रिंग में पास कर देगा तो वो पूरा 10 तक प्रिंट होगा, ठीक है? हाँ, क्योंकि इसके अंदर उसने क्या चेक करा ना, वैल्यू तो चेक करा पर लेकिन डेटा टाइप अलग है, कंडीशन फॉल्स, अरे कंडीशन फॉल्स हुई है, इसके लिए उसने इसके अंदर आया नहीं, उसने यहाँ पे उसने उसको प्रिंट करते हुए पूरा 10 तक कर दिया, ठीक है? ये हो गया ब्रेक। अभी कंटिन्यू किसको बोलते हैं? मान के चल यहाँ पे ये पूरा एक काम करते हैं, सबसे पहले ये ब्रेक को मैं हटा देता हूँ, ठीक है? और ब्रेक पे यहाँ पे सबसे पहले एक br टैग लगा देता हूँ मैं, हटावत ना जनाब। और इसी को मैं प्रिंट कर देता हूँ, 1 से लेकर 10 तक ये प्रिंट हो गया, ठीक है? अब अपने को चाहिए कि मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट में, मतलब जैसे जब आई की वैल्यू, ठीक है, आई की वैल्यू जब 5 होगी, ठीक है, आई की वैल्यू जब 5 होगी, तब यहाँ पे मैंने बोला डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ पे जो आई है, ठीक है, यहाँ पे जो आई है इसके अंदर एक स्टार ऐड कर दो, ठीक है? हाँ तो यहाँ पे भी देखना क्या प्रिंट होगा। सबसे पहले देखें, अभी मैंने कंटिन्यू नहीं लिखा हूँ, ठीक है? यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है? यहाँ पे देखो, एक काम करता हूँ, यहाँ पे भी एक br टैग लगा ही देता हूँ, ठीक है? कंफ्यूजन हो रही थोड़ी, ठीक है? 1 2 3 4 5, सबसे पहले आया, फिफ्थ कंडीशन पे आया, उसने चेक करा आई इज इक्वल टू 5, इसने इस स्टेटमेंट को प्रिंट करा, पर हाँ लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पे भी 5 को प्रिंट कर रहा है। तो मैंने बोला जैसी इस कंडीशन ये ट्रू होगी, इसके अंदर आओ, इसको प्रिंट करो, है ना? इसको प्रिंट करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू, कंटिन्यू क्या करेगा, इसी स्टेटमेंट को वापस से कंटिन्यू क्या करेगा, इसके नीचे के जितने भी स्टेटमेंट है उसको नहीं प्रिंट करेगा, वापस से लूप को चलाएगा, वापस से लूप में ऊपर जाएगा, ठीक है? लूप में ऊपर गया, वापस से उसने अभी 6 ले लिया, हाँ कंटिन्यू, समझा? मतलब उस पर्टिकुलर कंडीशन पे वो उसको नहीं प्रिंट करेगा, जो पर्टिकुलर कंडीशन उसको नहीं प्रिंट करेगा, ठीक है? अगर उसके अंदर कुछ भी लिखा रहा तो उसको प्रिंट नहीं करेगा, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू लिखा है, अभी वो नीचे नहीं गया, ठीक है?
इसको उसने नहीं प्रिंट करा, कंटिन्यू क्या करेगा, वापिस से लूप में ऊपर जाएगा, ठीक है, वैल्यू बढ़ाएगा आई की वापिस से, अभी वैल्यू बढ़ गई 6 हो गई, यहाँ पे 6 आया, चेक करा वापिस, अभी आई इक्वल टू 6 के बराबर नहीं है, इसलिए वो ये कंडीशन नहीं प्रिंट करेगा, इसके इफ के बाहर आएगा और वो इसको प्रिंट करेगा, ठीक है, समझा, ब्रेक एंड कंटिन्यू तुम लोग को, हाँ देखो ब्रेक हाँ और कंटिन्यू, ब्रेक का भी एग्जांपल डाल देना। हाँ ब्रेक का भी डाल लेता हूँ यहीं पे, तो मैं लिख देता हूँ इफ आई इज इक्वल टू टू, जैसे आई इज इक्वल टू 8 तो कर देना ब्रेक, ठीक है, अभी ये दोनों कंडीशन चलेगी, सबसे पहले दोनों चलेगी, चलेगा कंटिन्यू भी चलेगा, सबसे पहले आई ब्रेक ले, आई इक्वल टू 8 हुआ, 8 के बाद उसने ब्रेक कर दिया, लूप के बाहर आ गया, ठीक है, और इसने चेक कर आई इक्वल टू 5 जैसे हुआ, उसने आई यहाँ पे आई को आगे की स्टार लगा दिया और कंटिन्यू कर दिया, ठीक है, कंटिन्यू कर, नीचे का स्टेटमेंट कुछ भी नहीं प्रिंट होगा, वापिस से वही लूप को स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, ठीक है, आई का 5 के बाद उसने इंक्रीमेंट करा 6 हुआ, सिंपली ऐसे वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया अपना ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में। तो ब्रेक एंड कंटिन्यू होने के बाद अपना एक आता है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप मतलब बताओ कोई मेरे को दोनों में से, नेस्टेड लूप बता सकता है कोई दोनों में से, नेस्टेड लूप हुजैफा तेरे को कौन पता है नेस्टेड? नेस्टेड लूप सुना क्या होता है? वो सुना लेकिन याद नहीं है। नेस्टेड लूप नहीं पता है, ठीक है बताता हूँ, नेस्टेड लूप मतलब होता है एक लूप के अंदर दूसरे लूप को चलाना, ठीक है, जैसे एक फॉर लूप है, इसके अंदर वापस से इसी के अंदर एक और फॉर लूप आपने बना दिया, अब इसी के अंदर और भी ऐसे इंक्रीमेंट होते जाएगा, ठीक है, मतलब जितने लूप के अंदर लूप बनाना है तो बना सकते हैं, ठीक है, नेस्टेड लूप उसको बोलते हैं, ठीक है, मतलब जैसे फॉर लूप है, फॉर लूप के अंदर एक और लूप, उसी के अंदर वापस से एक और लूप, जैसे एक फॉर लूप है, ठीक है, एक फॉर लूप है, इसके अंदर वापस से एक और लूप चलाया अपन ने, ठीक है, इसके अंदर वापस से एक और लूप चलाएंगे अपन, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं नेस्टेड लूप, ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसका एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर एक आखिरी में मैंने एग्जाम्पल देना भूल गया था, जैसे शाहनवाज को पता होगा, ये ऑल एग्जाम्पल, है ना शाहनवाज, हाँ ये देखा था ना तुमने लास्ट लेक्चर में, तो हाँ मान के चल अपने को ये बनाना है किसी तरीके से वेब पेज के ऊपर, ठीक है, तो इसके अंदर अपना नेस्टेड लूप इस्तेमाल करना, फॉर मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप बनाना, जैसे मैंने एक लूप बनाया फॉर नाम से, या फॉर नाम से एक काम करता हूँ, एक लूप बनाता हूँ मैं, और उसके अंदर एक हाँ वेरिएबल मैं आई नाम से, और आई नाम का वेरिएबल लेता हूँ, इसको मैं हाँ वन ले लेता हूँ, ठीक है, वन से मतलब वन से स्टार्ट करना है, ठीक है, अपने इसको मतलब सेम ये वाला पैटर्न बनाना है वेब पेज के ऊपर, ठीक है, फिर उसके बाद ये वेरिएबल इनिशियलाइज करने के बाद अपने को कंडीशन चेक करना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन डाल देता हूँ, आई शुड बी लेस देन एंड इक्वल टू और इक्वल टू 5, ठीक है, उसके बाद अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चलेगा, ठीक है, एक लूप बनाया, इसके अंदर मैं गया डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करूंगा मैं, और यहाँ पे सिंपली मैं आई को प्रिंट कर हाँ देता हूँ, यहाँ पे सिंपली 1 2 3 4 5 प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है, पर लेकिन मैंने बोला मेरे को तो स्टार चाहिए ना, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे स्टार, ठीक है, तो ये स्टार 5 पर प्रिंट कर दिया, लेकिन अपने ये पैटर्न थोड़ी ना बना है ना, ये ऐसा पैटर्न नहीं बना, तो इसके लिए अपने को एक और लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है, तो एक फॉर लूप लेता हूँ मैं वापस से इसी के अंदर, और एक और वेरिएबल बनाता हूँ जे नाम से, और इसकी भी वैल्यू मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है, 1 लेने के बाद मैं यहाँ पे जे को, इस बार मैं जे को ग्रेटर देन
और इक्वल टू 5 नहीं लूंगा, मैं बोलूंगा कि जो आई की वैल्यू है वही जे की वैल्यू रहे। जैसे आई अभी 5 तक चलेगा तो जे भी 5 तक चलेगा, ठीक है। अगर आई 10 तक हाँ चलेगा तो जे भी 10 तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद जे को हाँ प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है, प्लस 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 प्लस, ठीक है। इसके अंदर मैं जाऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मैं कर दूंगा स्टार को प्रिंट, ठीक है। मैंने बोला अभी जे अभी ये सब प्रिंट होगा, एक लाइन से प्रिंट होगा, ठीक है। इसने सही प्रिंट करे, ठीक है, और लेकिन अपना इस पैटर्न में नहीं आया, अपने को एक लाइन और लिखना है तब ये इस पैटर्न में आ जाएगा। आप उनको इस जे लूप के बाहर एक ब्रेक लगाना पड़ेगा, जैसे वो स्टार प्रिंट करेगा उसके बाद वो लूप के बाहर आना चाहिए, और एक ब्रेक लाइन लगाना उसको, ठीक है, एक br टैग लगाना उसको, ठीक है। हाँ अभी देखें तो अपने को उस पैटर्न को प्रिंट होके मिल वाह जाएगा, अगर एक नाइस। के बीच में तो ये स्पेसिंग भी मिल जाएगा, ठीक है। अभी मैं बता दूंगी ये चला कैसे अपना, ठीक है। सबसे पहले फॉर लूप चलाया अपन, आई इक्वल टू 1 हुआ, कंडीशन आया चेक करा, हाँ इस लेसन पाई के 5 हुआ, अंदर आया लूप के अंदर, उसको एक और लूप मिला, जे जे मिला 1 है, जे इस जे भी 1 है और आई भी 1 है, तो आई इज लेस देन 1 कंडीशन फॉल्स है, पर लेकिन इक्वल टू 1 है, कंडीशन ट्रू हो गई यहाँ पे, ठीक है। अंदर आया स्टार प्रिंट करा, ठीक है, स्टार प्रिंट करने के बाद एक बी आर टैग लगा, सेकेंड लाइन में आ गया, ठीक है। वापस से फिर वो दोनों की वैल्यू को बढ़ा देगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी, ठीक है, और जे की भी वैल्यू बढ़ के 2 हो जाएगी। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा कि जे की वैल्यू अभी 2 है और आई की भी वैल्यू अभी 2 है, और जे अंदर आया, कंडीशन ट्रू हुई, अंदर आया उसने वापस से एक स्टार प्रिंट करा, है ना, कंडीशन ट्रू हुई, 2 बार उसने स्टार को प्रिंट करा, ठीक है, एक बार प्रिंट करा जे हाँ की वैल्यू 2, एक बार आई के लिए प्रिंट करा, एक बार जे के लिए प्रिंट करा, ठीक है। कंडीशन फॉल्स हुई, वापस से एक बी आर टैग आया, मतलब 2 बार प्रिंट करा, ठीक है, कंडीशन 2 बार चलेगी, ठीक है, जे की कंडीशन 2 बार चलेगी जे के लूप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार प्रिंट करेगा, 2 बार जे का लूप चलेगा, ठीक है। फिर वापस से बी आर टैग लगे, थर्ड लाइन में आया, जे आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, जे की भी वैल्यू 3 हो जाएगी, फिर यहाँ पे जे की वैल्यू रखेंगे अपन 3 और आई की भी वैल्यू 3, ठीक है, चेक करेंगे लेस देन 3 है कि नहीं, कंडीशन फॉल्स हुई पर लेकिन इक्वल टू 3 के है, कंडीशन ट्रू हुई, तो आई जे की जो वैल्यू है वो 3 बार चलेगी, मतलब जे का जो लूप है वो 3 बार चलेगा। तो जे आई स्टार 3 बार प्रिंट हुआ, प्रिंट होने के बाद एक बी आर टैग लगे, वापस से कंडीशन ट्रू तो इंक्रीमेंट करेगा 4, चेक करेगा 4 प्रिंट करेगा, सेम ऐसे 5 के लिए भी प्रिंट करेगा, ठीक है। मैं बैक कर लेता हूँ और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 6 और आई, ठीक है। अभी जैसे 5 तक ही नहीं चला सकते, और मैं बोला कि 10 तक चलाने इसको मेरे को, तो टोटल 10 तक चल सकते, ठीक है। और इसको 2 तक चलाना है तो ये 2 तक चलेगा, 20 तक चलाना है 20 तक भी चलेगा, 100 तक चलाना है तो 100 तक भी ये चलेगा, ठीक है, 100 तक चला, ठीक है, ठीक है, ये टोटल 100 तक चला है। तो यहाँ पे मैं 5 तक लेता हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को स्टार नहीं प्रिंट करना है, मेरे को वो ऐसे 1, फिर नीचे सेकंड लाइन करना 1 2, फिर थर्ड लाइन करना 1 2 3, फिर फोर्थ लाइन करना 1 2 3 4, तो सिंपली अपन जे की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है, प्लस स्पेस ABCD करना रहेगा तो ABCD करना रहेगा तो यहाँ पे, अरे ABCD का थोड़ा अलग रहता है, वो थोड़ी ना अपने को सेम नंबर है भी, ABCD के लिए यहाँ पे मेरे ख्याल से ए उसका कुछ अलग कंडीशन है ना, ABCD पूरा ABCD, अल्फाबेटिकल हो जाएगा। ये नंबर अभी देख लेना आप, उसका भी होगा कुछ मेरे ख्याल से, उसका एक फंक्शन है जिसके अंदर पूरा ABCD लिख के आता है, चेक करना पड़ेगा उसको, ठीक है। अभी एक और आई प्रिंट करेंगे तो अपना कैसे प्रिंट होगा, 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5,
ये मान लो ये अभी यहाँ पे कैसे, यहाँ पे तो अभी नॉर्मल लग रहा है ना, मतलब इसका सोच कि इसका कहाँ पे यूज आ रहा है, पर लेकिन यही मेन चीज है जो इंटरव्यू के टाइम पे पूछी जाती है। वो तो लोग ऐसे पैटर्न दे देते अपने को, बोलते कि ये पैटर्न अपने को प्रिंट करना है, ठीक है, सेम टू सेम। फिर अपने को लॉजिक ये सब मालूम करते, ये रियल लाइफ के अंदर नहीं इस्तेमाल होते जल्दी, पर लेकिन इसको अपन प्रैक्टिस करते जिससे अपना लॉजिक बिल्ड होता, मतलब लॉजिक को बिल्ड करने का। अभी अगर मैं बोलूँ कि ये जो 5 5 है इसको मेरे को अभी उल्टा प्रिंट करना है तो कैसे होगा बताओ मेरे को। जैसे मैंने बोला कि ये जो सबसे पहले ऐसे 5 5 5 5, तो उसके नीचे 4 4 4, तो उसके नीचे 3 3 3, 2 2 1, अपने को इस पैटर्न में प्रिंट करना, तब कैसे होगा। ऐसा आई प्लस प्लस की जगह प्लस प्लस आई कर दें। एक मिनट रुक जा, अभी बताना। ठीक है, अब बोल मेरे को इस पैटर्न में प्रिंट करना है मेरे को, तो मैं सबसे पहले एक आई लूप प्लस बनाऊं। प्लस की, हाँ शानवास तू बता, शानवास नहीं है क्या? है नहीं। अकेले में क्या? बोल ज्यादा, आप मेरे को इस पैटर्न में प्रिंट करना तो कैसे होगा। इस पैटर्न में मतलब ये कैसे हो रहा है, देखने से पता चल रहा है, पर मतलब माइनस होते जा रहे हैं, घटते जा रहे कम होते जा रहे हैं, तो अपन इसमें जो प्लस प्लस कर रहे थे उसकी जगह अभी माइनस माइनस करेंगे, ठीक माइनस है। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं अपन आई नाम से, और यहाँ पे एक वो दे देते हैं, नहीं अपने को माइनस में चाहिए तो अपन 5 से स्टार्ट करेंगे और चेक करेंगे आई की। हाँ 1 तक लेके जाएंगे। हाँ 5 से, मतलब पहले 5 वाला चलेगा, फिर 4 चलेगा, फिर 3 चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर 1 चलेगा, ठीक है, बताता हूँ अभी कैसे चलेगा। फिर यहाँ पे अपन चेक करेंगे आई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू रहने चाहिए और 5, अरे 1 के, ठीक है, और यहाँ पे आई को कर देंगे माइनस माइनस, ठीक है। अंदर आएंगे सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे और आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे, तो सिंपल अपने को 5 4 3 2 1 मिल जाएगा, ठीक है। पर अपन ने जब इनर लूप चलाएंगे, ये जो फॉर ये जो है ये आउटर लूप है, और इसका ने जो चला रहा है अपन, इसको इनर लूप भी बोलते हैं अपन। जे बनाएंगे अपन, वेर जे बनाएंगे, इसको इक्वल टू, इसकी वैल्यू हम लोग 1 से चलाएंगे, ठीक है, इसकी 1 से चलाएंगे, और इसको हम लोग चेक करा करेंगे जो जे है शुड बी लेस देन और इक्वल टू आई के बराबर ये रहना चाहिए, ठीक है, और जे की वैल्यू को अपन प्लस प्लस करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे अपन डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे, और यहाँ पे जे की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे सिंपली वही जो ऊपर ब्रेकिंग के लिए यूज कर रहे थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, दिया पीसी थोड़ा 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 सिमिलर दिख रहे कि नहीं, तब एक मिनट। आपने पीसी थोड़ा ठीक है, तो यहाँ पे आपने तो जैसे कि सबसे पहले अभी ये थोड़ा थोड़ा इसके सिमिलर दिख रहा है, ठीक है, 1 2 3, मतलब एक डिक्रीमेंट ऑर्डर में दिख रहा है, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे अभी अपन जे की वैल्यू ना प्रिंट करके आई की वैल्यू प्रिंट करते हैं, और करते सबसे पहले इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, इसको कमेंट आउट नहीं कर रहा था ना तो यहाँ पे एरर शो कर रहा है, एक हाँ मिनट एरर दिखाता हूँ, तो कंसोल में एरर मतलब ये जो है ना 5 5 5 5 5,
अभी ये तो इसको कमेंट कर देता हूँ, एरर अभी तो दिखा नहीं, पता नहीं। ठीक है, मतलब वो तो एक कमेंट हो गया। ठीक है, अभी सेम टू सेम इसके दिख रहा है, 5554433322211। ठीक वन है, मतलब 5 जो है वो 5 बार प्रिंट हुआ, 4 जो है वो 4 बार प्रिंट हुआ, और 3 जो है वो 3 बार, और जो 2 है वो 2 बार, और 1 जो है वो 1 बार। ठीक है, तो ये हो गया नेस्टेड लूप के बारे में। और भी पैटर्न अगर बनाना है तो और भी पैटर्न बना सकते हो। ठीक है, अगर मेरे को ये नंबर नहीं चाहिए, इसकी जगह अगर मेरे को स्टार चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? बस सानवर्स मैं बोल रहा हूँ कि अगर तो नंबर की जगह स्टार हाँ, प्रिंट तो क्या करना पड़ेगा? ठीक अपने को स्टार डॉक्यूमेंट डॉट राइट में स्टार लिखना पड़ेगा ना, है, तो मैं कहाँ पे लिखूँ, लाइन नंबर कितने पे लिखूँ मैं? लाइन नंबर 3 3, यहाँ पे 1.33 बोलना। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टार। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार दे दूंगा और एक स्पेस दे दूंगा ताकि थोड़ा अच्छे से दिखे। ठीक है, सिंपल पैटर्न बन गया। अभी इंटरव्यू में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मतलब जो अभी मैंने पूछा कि मतलब मेरे को नंबर की जगह स्टार प्रिंट करना है, कोई स्टार प्रिंट कर सकते हैं। अगर मेरे को नंबर प्रिंट करना है तो जे लिखूंगा नॉर्मल, बगैर वेरिएबल को कभी भी इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखना। ठीक है, अगर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेगा तो वो सिंपल वेरिएबल नहीं, वो स्ट्रिंग माना जाएगा। ठीक है, इसके लिए नंबर प्रिंट करना है, जे की वैल्यू 1 2 3 4 5, और अगर मेरे को इस पैटर्न में प्रिंट करना है तो वो इस पैटर्न में भी अच्छे से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इतना टॉपिक आप उनने क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, आप उनने पॉपअप बॉक्स देख चुके हैं, आप उनने फंक्शन देख लिया, फंक्शन में कितने टाइप रहते हैं वो देख लिया, फंक्शन नॉर्मल फंक्शन देख लिया, फंक्शन विद पैरामीटराइज देख लिए, विद डिफॉल्ट वैल्यू भी देख लिए, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू भी देख लिए, और फिर उसके बाद नेस्टेड आपने लूप ब्रेक ग्लोबल अंदर और लोकल वेरिएबल देख लिए, फिर उसके बाद आपने ब्रेक और कंटिन्यू देखे, फिर उसके बाद आपने नेस्टेड लूप देखे एग्जाम्पल के साथ। साथ। तो आज का लेक्चर आपन यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर में मेरे ख्याल से मैं एरे स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आप उन एरे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एरे खत्म होने के बाद आप उन ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद वो जो उसके अरे लूप थे, फॉर इन लूप, जो फॉर इन फॉर ईच,